कश्मीर क्राउन में आप सबका वेलकम। मैं हूं आपके साथ इरफान मलिक। ड्रग अवेयरनेस के हवाले से सरकारी सतह पर और गैर सरकारी सतह पर कई एक प्रोग्राम्स मुनाकिद किए जाते हैं और मकसद सिर्फ ये होता है कि नौजवानों को किसी न किसी तरीके से इस लानत से बाहर निकाला जाए। तो इस हवाले से जो आने वाला मंडे है उस दिन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुपवारा में हाईफाई इंस्टीट्यूट के जरिए से एक प्रोग्राम मुनाकिद किया जा रहा है ड्रग अवेयरनेस के हवाले से और स्किल डेवलपमेंट का जो फायदे हैं उस हवाले से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम में। तो इस हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अशरफ साहब जो मैनेजर हैं हाईफाई इंस्टीट्यूट के। इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के बारे में और आने वाला जो वक्त होगा किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट हमारे नौजवानों को फ़ायदा देगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ साहब, थोड़ा सा प्रोग्राम के बारे में बताइए, किस तरीके का प्रोग्राम आने वाले दिनों में आप ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं? थैंक यू साहब, आपका मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल कर यहाँ हमें समय दिया है और ये जो हमारा प्रोग्राम है अंडर द नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, ये मुल्क की सतह पर एक प्रोग्राम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी चलाया जा रहा है। जैसा कि सारे स्टेटों में, हमारे स्टेट में भी तकरीबन 54 सेंटर्स ऐसे ही जो स्किल डेवलपमेंट में टेक्निकल एजुकेशन को फ़रोग दे रहे हैं और यहाँ दूर दराज सच इलाकों में ये इंस्टीट्यूशन ने कायम किए जिस नाइलेट के इश्तियाराक से, और इनसे बहुत से कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। आज तक मेरे ख्याल में हमारे इंस्टीट्यूशन से हज़ारों तलबा निकले हैं, मुस्तफ़ीद हुए हैं इन कोर्सों से। खासकर हमारा एक मैन जैसा कोर्स यहाँ चल रहा है काबा MDTB, जिसकी मुल्क भर में पजीरी आई हो रही है। वो सर्टिफिकेटें सीख कर, वो कोर्स सीख कर बच्चे अपनी जॉब के एबल, किसी भी जॉब के एबल हो जाते हैं। इस सिलसिले में हर साल की तरह हम इस साल 4 जुलाई 2022 को गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एक अवेयरनेस कैंप का इनेकाद हो रहा है, जिसमें हमारे यहाँ के डिग्री कॉलेज के जितने भी स्कॉलर्स हैं, बाहर के स्कॉलर्स को हमने दावत दी है, हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम दावत दी है कि इस प्रोग्राम को फाल बनाने में हाँ हमें मदद कीजिए। वहाँ इस प्रोग्राम में खास कर मकसद है स्टूडेंट को अवेयर करना है कि अगर आपने कोर्सेज करने हैं रिगार्डिंग स्किल, स्किल के बगैर आने वाला टाइम जो है हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है। स्किल हो तो ज़िंदगी हो, स्किल हो तो फ्यूचर हो, ये कोशिश हम करने जा रहे हैं और स्टूडेंट को ये बताना चाह रहे हैं। मकसद यही है इसका कि आप ऐसा करो, खाली सर्टिफिकेट के पीछे मत पड़ो, आप कुछ सीखो, सीखने के बाद आप कोई जॉब गेट कर सकते हो। आप ही हमारा फ्यूचर है, आप ही हमारा भविष्य है। अगर आप कॉलेज जाते हो, अगर आप इंस्टीट्यूशन जाते हो, मकसद ये है कि आप कुछ सीखे, सीखने के बगैर सर्टिफिकेट कहीं काम के नहीं है। हाँ, दूसरी बात, हम आपके जरिए आगे माध्यम से ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम इसमें अवेयर करेंगे बच्चों को कि कौन सी सर्टिफिकेशन सही है गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ बहुत से इंस्टीट्यूशन चलाए जा रहे हैं जिनमें ये नहीं है कि सर्टिफिकेशन किसकी होगी, और स्टूडेंट को खासकर मालूम नहीं होता है किस कौन सी एजेंसी हमें सर्टिफिकेशन दे सकती है, कौन सी अथॉरिटी हमें सर्टिफिकेशन दे सकती है। माशाल्लाह, हम ये प्रोग्राम 4 जुलाई 2022 को ऑडिटोरियम डिग्री कॉलेज को फरा में मुनक़द होगा। सभी लोगों को, खासकर एजुकेटेड यूथ को जो स्किल में जाना चाहते हैं, जो ट्रेनिंग्स में देना जाना चाहते हैं, वो इस प्रोग्राम में शिरकत करें, वहाँ उनके लिए काफ़ी सबक आमोज बातें होगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ अशरफ साहब जो हाईफाई इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि स्किल की इस वक्त बहुत ज़्यादा अहम ज़रूरत है, जैसे सरकारी सतह पर और गैर सरकारी सतह पर ड्रग अवेयरनेस के हवाले से कई एक प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। खेल कूद से अब हमें थोड़ा सा बाहर निकलकर स्किल की तरफ भी आना है, पढ़ाई की तरफ हमें लड़कों को, यूथ को रागिब करना है ताकि वो इस लानत से निकल कर पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, टेक्निकल कोर्सेज की तरफ ध्यान दें, स्किल कोर्सेज की तरफ ध्यान दें ताकि उनका फ्यूचर, मुस्तकबिल उनका बन सके और उनका फ्यूचर जो है वो ज़ाया नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, कश्मीर क्राउन पे बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।